जनपद में गुरुवार को 74 केंद्रों पर कोविड के वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 40 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 8628 तथा 34 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के 1998 लोगों सहित कुल 10626 व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने कहा कि जनपद में वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। सीएमओ ने 45 साल के ऊपर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोग अपने करीब के पीएससी व सीएससी पर पहुंचकर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी में वैक्सीनेशन एक अहम हथियार है। 18 साल के ऊपर के लोग ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके निर्धारित जगह पर पहुंचकर वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हम लोग का हाथ में है क्योंकि जितना लगेगा उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग भेजना पड़ेगा। आज जनपद में 74 जगहों पर टीकाकरण चल रहा है, जिसमें 40 जगहों पर 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, बाकी जगह 45 प्लस का टीकाकरण हो रहा है। ये टीकाकरण निर्बाध रूप से चल रहा है। वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ये वैक्सीन निःशुल्क हमारे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाई जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है? अभी तक हमारे ज़िले में 4,500 से ज़्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। सर, जो लोग अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, उनसे हमारी अपील है, अगर आप 45 के ऊपर हैं तो आप नियर अपने घर के पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और आपका ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप सिर्फ आधार कार्ड लेके जाएंगे, जिससे आपकी एज वेरिफिकेशन होना है, बाकी काम हमारे सीएससी के कर्मचारी करेंगे और आपका वैक्सीनेशन होगा। इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए सबसे अहम टूल हमारा वैक्सीनेशन है। इसी से हम अपने को बचा सकते हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। जहाँ रही बात 18 प्लस की, तो अभी पोर्टल से ही वैक्सीनेशन हो रहा है, तो जैसे जैसे आप सभी लोग अपने को धीरे धीरे रजिस्टर कर लीजिए, जैसे जैसे पोर्टल से लोगों का वैक्सीनेशन होता जाएगा, पोर्टल सबको समय और जगह देती जाएगी और सभी का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा।